वर्षा राठौड़ ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, गठ स्थापना के साथ शुरू हुआ गरबा महोत्सव, 9 दिन तक गूंजेंगे गाड़ियों की खनक, क्षतिग्रस्त सड़कों से परेशान राहगीर, नाली निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग का आरोप, पैदल यात्रा संघ पहुंचा मुड़ग्राम, ढोल धमाकों से किया स्वागत, युवक की मौत पर परिजनों को दी सहायता राशि, एथलेटिक प्रतियोगिता में धावकों ने दिखाया दमखम, सोलन की चुनाव अधिकारी नियुक्त, 4 पुलिस निरीक्षकों व 6 उप निरीक्षकों के हुए तबादले, मुआवजे को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, धूमधाम से मनाई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती, मोदी ने की यूज प्लास्टिक से आजादी का संकल्प लेने की बात, नवरात्रा महोत्सव को लेकर आयोजित हुई CLG की बैठक, जवाहर नवोदय विद्यालय कृष्ण पटेल होंगे ई रक्षा कार्यक्रम में सम्मानित, अवैध बजरी खनन करते 4 ट्रैक्टर व ट्रोली जब्त, जन जागरण कार्यशाला का आयोजन 30 को। अब समाचार विस्तार से, गठ स्थापना के साथ शुरू हुआ गरबा महोत्सव, 9 दिन तक गूंजेंगी डांडियों की खनक। जालौर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार रविवार से शारदीय नवरात्रा के पहले दिन मां दुर्गा की आराधना के 9 दिनों के इस पावन मौके पर मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। रविवार को मठ मंदिरों और घरों में श्रद्धालुओं ने कलश स्थापना कर मां का आह्वान किया। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान शहर स्थित चामुंडा माता मंदिर माताजी के श्रृंगार कर सजाया गया। वहीं जालौर पहाड़ी स्थित खीमन माता मंदिर, बायासा मंदिर सहित शहर के विभिन्न शक्ति मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इसी प्रकार ऐलाना से चेतन गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में चांद्रा माताजी मंदिर में गरबा महोत्सव को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मंदिर परिसर को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया गया है। गरबा महोत्सव लेकर कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसे कार्यकर्तागण संपूर्ण भाव से महोत्सव को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार सियाणा से ध्यानचंद दादालिया की रिपोर्ट के अनुसार सियाणा सहित आसपास के गांवों में शारदीय नवरात्रा महोत्सव को लेकर मां दुर्गा की प्रतिमा को गरबा पंडाल में विराजित कर गठ स्थापना की गई। सियाणा के भट्टों के चौक पर आशापुरा गरबा मंडल की ओर से पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मंडल की ओर से गरबा कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी ड्रेस पर गरबा, हास्य कलाकारों की प्रस्तुति, आमंत्रित कलाकारों की ओर से नृत्य व गरबा गायन समय विभिन्न कार्यक्रम के किए जाएंगे। विशेष कर यहां का कालिका नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जिसको देखने के लिए दूर दराज के गांवों के लोग आते हैं। इस स्थापना के अवसर पर प्रदीप भट्ट, जगदीश गोयल, नंदू भाई माहेश्वरी, विक्रम सिंह राव, मनीष सोनी, रोशन भट्ट, जीतू सोनी सहित कई लोग मौजूद थे। इसी प्रकार मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित के अनुसार मां आशापुरी मोदरी माताजी मंदिर में देवी आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि महोत्सव को लेकर अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:10 पर गठ स्थापना की गई। पंडित भीमा शंकर दवे ने बताया कि इस बार नवमी तक 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव का आयोजन होगा। वहीं माह अष्टमी 6 अक्टूबर रविवार को यज्ञ हवन के बाद शाम 5 पूर्णाहुति व महा आरती का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि महोत्सव को लेकर आज से दुर्गा सप्तशी पाठ का वाचन सप्तमी तक किया जाएगा। इसी प्रकार रामसिंह से राजू सिंह राव के अनुसार क्षेत्र में नवरात्रि के प्रथम स्थापना दिवस पर माता रानी के भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना करके माता रानी का मंदिर सजा कर घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं कस्बे सहित आसपास के गांवों में भी नवरात्र को लेकर विभिन्न मंदिरों के ट्रस्टियों की ओर से विशेष सजावट करके माता रानी के मंदिर की सजावट की गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों से परेशान है राहगीर, सायला से भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार उप तहसील क्षेत्र के गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी डामरीकृत सड़कें अब टूटकर खस्ता हाल हो चुकी हैं। सड़कों के बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। कुछ गांवों में तो ये सड़कें नाम मात्र की रह गई हैं। सड़क टूटने से उसमें से कंकर के बड़े पत्थर भी उभर कर बाहर निकल गए हैं।
जिससे कई बार वाहन चालकों के टायर फट जाते हैं। वहीं अधिकारियों का दावा है कि अभी हमारे द्वारा टेंडर करवाए गए हैं, जरूरत होगी उतनी मरम्मत करवा देंगे। प्रस्ताव भेजा हुआ है, सभी गांवों की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी। खाली निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग का आरोप। सांचौर से बाबूराम सुथार की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति सांचौर की ग्राम पंचायत पांचला में ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच द्वारा जगह जगह नाली निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन कार्य आधा अधूरा ही पड़ा है और फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हॉस्पिटल से बनी नाली का सिर्फ दो दिन पहले कार्य हुआ था, लेकिन दो दिन के बाद में नाली टूट गई है। कहीं विकास कार्य मात्र कागजों ही बताकर लाखों रुपयों का गबन किया गया है। पांचला में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और जहां देखे वहां पर कचरे के ढेर नजर आ रहा है। पैदल यात्रा संघ पहुंचा मुड़त्रा, ढोल धमाकों से किया स्वागत। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुड़त्रा सिली यात्रा संघ तखतगढ़ समेत क्षेत्र के आहोर, जोड़ा, मारुआ, मादड़ी सहित विभिन्न गांव से होते हुए भीनमा शिमकरी धाम दर्शन के लिए जा रहा पैदल यात्रा संघ शुक्रवार रात्रि मुड़त्रा पहुंचा, जहां ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया। मुड़त्रा सिली शीतला माता नवयुग मंडल के धर्मशाला में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सवेरे यात्री रवाना हुए। शनिवार दोपहर भीनमाल तथा घट स्थापना पर शिमकरी माता मंदिर धोक लगाकर पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर कमलेश, सुरेश कुमार, नारायण, दिनेश कुमार, मोड़ाराम, ललित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। युवक की मृत्यु पर परिजनों को दी सहायता राशि। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती थूर गांव में पिछले दिनों घनश्याम गर्ग की मृत्यु पर गर्ग ब्राह्मण समाज संस्था महाराष्ट्र की ओर से मृतक के परिजनों को 11,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की गई। इस दौरान अध्यक्ष गेवर चंद गर्ग सिंदरू हाल निवासी मीरा रोड महाराष्ट्र, उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग हरजी पनवेल महाराष्ट्र, संस्था प्रमुख मदन लाल गर्ग जावली मौजूद थे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्ग समाज के गरीब एवं पीड़ित किसी की भी जरूरतमंद के लिए संस्था हमेशा तत्पर है। एथलेटिक प्रतियोगिता में धावकों ने दिखाया दमखम। जालो से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार जिला एथलेटिक संघ के तत्वावधान में शनिवार को स्टेडियम मैदान में आयोजित जिला जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता के पहले दिन 185 धावकों ने अपना दमखम दिखाया। जिला एथलेटिक संघ के सचिव कन्हैयालाल मिश्रा व अध्यक्ष भरत मेघवाल ने बताया कि आर्यवीर दल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार के सानिध्य में प्रतियोगिता संपन्न हुई। सोलंकी चुनाव अधिकारी नियुक्त। जालौर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा संगठनात्मक चुनाव जिला प्रभारी धरम नारायण जोशी व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के तहत रामसिंह मंडल में चुनाव करवाने के लिए भगवत राम सोलंकी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। सोलंकी भीनमाल मंडल के भी चुनाव अधिकारी हैं। आप भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 4 पुलिस निरीक्षकों व 6 उप निरीक्षकों के हुए तबादले। जालौर से ओजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस निरीक्षकों के तबादलों का सिलसिला जारी है। पुलिस कप्तान हिम्मत अभिलाष टाक ने किया आदेश जारी। जानकारी के अनुसार अब सरवाना थाना अधिकारी अमर सिंह होंगे, वहीं गेवर सिंह आहोर थाना अधिकारी तथा हंसा राम को अपराध शाखा में लगाया है। वहीं राम स्वरूप SIUCAW शाखा में लगाया गया है, जिसमें अब पवा राम को चौकी चांदराई से थाना अधिकारी चितलवाना सहित कई पुलिस के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलो चलो सोनाना खेतला जी रे गाँव, खेतला जी टुकड़ा में ली सब पक्का रहा। श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलोर एवं श्री सोनाना खेतला जी के परम भक्त शिरोमणि रमेश कुमार जी लक्ष्मी चंद्र भंडारी हाल बेंगलोर वाले के सुख निश्रा में श्री सोनाना खेतला जी तीर्थ धाम सालग्रावास में नवरात्र के पावन पर्व पर विशाल भजन संध्या का आयोजन दिनांक 29 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2019 तक। भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन कलाकार रमेश मालिक वाली, सरिता खरवाल बसवरा, अशोक रोहिणी गेतारण, दुर्गेश मारवाड़ी,
ज्योति शर्मा के साथ कई सुप्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। निवेदक श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलोर। साथ ही कार्यक्रम व्यवस्था में जयपाल सोमिंग्रा, संपत राम पाटी, धर्माराम सेवी, दिनेश सेन, भगवाना राम देवासी, ओगणमल सागर निवास, कालाराम नेपाल आदि भक्त मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुआवजे को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आहोर से सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने बारिश में चौपट हुई फसलों का सर्वे करवाने की बात कही। उन्होंने किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग रखी। निरंतर बारिश के चलते आहोर विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है, जिसे लेकर कलेक्टर को पत्र सौंप कर मुआवजे की मांग की है। धूमधाम से मनाई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार भगत सिंह सेना द्वारा आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक शहरी विद्यालय जालोर में शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। भगत सिंह सेना के जिला अध्यक्ष आजाद भावेश जालोरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि के नाते हिंदू युवा संगठन संस्था जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश सोलंकी उपस्थित थे। सोलंकी ने कहा कि किस प्रकार से भगत सिंह ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, जिस कारण आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा वर्तमान में भगत सिंह जैसे बनने का आह्वान किया। इसके साथ ही विद्यालय के विभिन्न छात्रों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। मोदी ने की यूज प्लास्टिक से आजादी का संकल्प लेने की बात। जालोर से उचित सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा प्रदेश नेतृत्व व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत के निर्देशानुसार जिले के सभी मंडलों के सभी बूथों पर मन की बात का प्रसारण मन की बात जिला प्रमुख अधिवक्ता श्री सुरेश सोलंकी के निर्देशन में प्रसारित किया गया। जिला सह प्रमुख अर्जुन सिंह पवार ने बताया कि जालोर नगर के भाजपा जिला कार्यालय गौरव पथ रोड पर मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें मोदी जी ने तंबाकू और नशे से दूर रहने की अपील की। मोदी ने कहा कि हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इसमें भी नुकसानदायक केमिकल होते हैं और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। मोदी ने कहा कि बापू की 150वीं जयंती पर स्वच्छता का संकल्प ले और सिंगल यूज प्लास्टिक से आजादी का संकल्प ले। जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत के निर्देशानुसार जिले के सभी मंडलों के सभी बूथों पर मन की बात का प्रसारण मन की बात जिला प्रमुख अधिवक्ता श्री सुरेश सोलंकी के निर्देशन में प्रसारित किया गया। जिला सह प्रमुख अर्जुन सिंह पवार ने बताया कि जालोर नगर के भाजपा जिला कार्यालय गौरव पथ रोड पर मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें मोदी जी ने तंबाकू और नशे से दूर रहने की अपील की। मोदी ने कहा कि हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इसमें भी नुकसानदायक केमिकल होते हैं और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। मोदी ने कहा कि बापू की 150वीं जयंती पर स्वच्छता का संकल्प ले और सिंगल यूज प्लास्टिक से आजादी का संकल्प ले। नवरात्र महोत्सव को लेकर आयोजित हुई सीएलजी की बैठक। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के स्थानीय पुलिस थाना परिसर में शनिवार को नवरात्रि महोत्सव को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नव नियुक्त थाना अधिकारी साबिर खान ने सीएलजी सदस्यों से परिचय लिया। थाना अधिकारी ने बताया कि नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र और पावन दिन है। नवरात्रि उत्सव के दौरान आयोजकों को रात्रि के समय बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे, पुलिस हर समय मदद के लिए तैयार। बैठक में हाजी चांद खा, जसवंत भाई प्रजापत, राजू सिंह सोलंकी राजपुरा, गोविंद पुरोहित, सोनाराम देवासी, अनवर खान हेड कांस्टेबल, राजाराम धर्माराम सहित कांस्टेबल उपस्थित थे। ई रक्षा कार्यक्रम में सम्मानित होंगे पटेल। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 12वीं विज्ञान के छात्र कृष्ण कुमार पटेल का चयन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और पीस फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित ई रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर स्लोगन राइटिंग में पुरस्कार हेतु चयन किया गया। इसके लिए 30 सितंबर 2019 को यूनेस्को हॉल
एनसीईआरटी चाणक्यपुरी में सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस विशेष उपलब्धि के लिए विद्यालय प्राचार्य हरनाथ सिंह चारण ने छात्र कृष्णा कुमार को बधाई और शुभ आशीर्वाद प्रदान दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अवैध बजरी खनन करते चार ट्रैक्टर व ट्रोली जब्त। जालौर से ओजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती महेशपुरा गांव के समीप जवाई नदी से अवैध बजरी खनन करते जालौर थाना अधिकारी बाघ सिंह ने चार ट्रैक्टर में ट्रोली जब्त की है। जानकारी के अनुसार चालक दरगाह राम मालू मसरा राम माली नगा राम जोगी पप्पू माली अवैध बजरी कर रहे थे, जिसको लेकर खनन विभाग के प्रवीण पटेल ने मौके पर आकर जब्त ट्रैक्टर ट्रोलियों की जुर्माना रिपोर्ट तैयार की। वहीं थाना अधिकारी बाघ सिंह ने बताया कि अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए टीमें तैयार की गई हैं। जन जागरण कार्यशाला का आयोजन 30 को। जालौर से ओजी सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा जिला कार्यालय में जन जागरण कार्यशाला का आयोजन होगा। मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सुरेश सोलंकी ने बताया कि भाजपा जिला कार्यालय गौरव पथ रोड पर दिनांक 30 सितंबर दोपहर 2 बजे धारा 370 व आर्टिकल 35 ए के हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में जन जागरण अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पूर्व मंत्री व अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल उपस्थित रहेगी। कार्यक्रम अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के नाते जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहेंगे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत जय जालौर।